क्या नाम है चाचा आपका? मुसब्बर खान। अच्छा कहाँ रहते हैं? जतनपुरा। अच्छा थाना? फीसगढ़। अच्छा तो क्या घटना हुई थी यहाँ पे? यहाँ पर दो बच्चे कैसर ने मार दिए। काहे से? ट्रैक्टर से। अच्छा ट्रैक्टर से। हाँ ट्रैक्टर में ट्रॉली में क्या भरा था? रेता। अच्छा तो ये लोग कब से खनन कर रहे हैं? ये बहुत पुराना खनन माफिया, पहले शुरू नंबर से इसी ने ट्रैक्टर चलाए हैं और ये जितने ट्रैक्टर हैं खनन से ही करे हैं। तो पहले कभी आपने प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी? सब कुछ दी है। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस जो है उनके इम्कान में है। पैसा लेती है पुलिस उनसे? पुलिस से पैसा देता है। अच्छा महीना बांध रहा? 10,000 रुपए शीशगढ़ देता है और 3,000 रुपए दुनका देता है। अच्छा तो 600 रुपए संबंधों का 100 नंबर वाले लेते हैं। अच्छा 112 नंबर? हाँ। अच्छा तो इसमें आप जो है क्या कार्रवाई चाहते हैं? 8 नंबर में ये दर्ज है, शीटर है, शीटर में शीटर। हाँ। दो बार फैक्ट्री पकड़ी गई है इसके घर पर। अच्छा क्या नाम है उनके? असगर अली। और असगर अली के लड़के हैं? लड़कों? अच्छा लड़कों? शायद। अच्छा अच्छा आपके गांव के ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान पहले थे सोहड़ा वाले, अब है शुक्ला। नाम कहाँ? हरकुसन। तो ग्राम प्रधान इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं, बैठे बैठे चला गया है। अच्छा तो पुलिस से अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम इंसाफ चाह रहे हैं। अगर पुलिस इंसाफ नहीं करेगी, नहीं पकड़ेगी किसी को, धरना धरेंगे थाने पर, धरना धरेंगे। अच्छा हाँ मगर हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस को ये लोग पैसा देकर ये मोटा काम कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें अब आगे क्या करेंगे? करने देंगे या नहीं करने देंगे? नहीं करने देंगे। अगर मान लीजिए अभी तो बंद है, अगर 2-4 दिन के बाद दोबारा खनन चालू होता है तो हम आप लोगों के सबके लिए अधिकारियों के लिए सूचना देंगे। तुरंत सूचना देंगे? हाँ तुरंत सूचना देंगे। पकड़वाएंगे? हाँ पकड़वाएंगे। अच्छा ठीक है।